रांची में पिछले 2 सालों से कोविड-19 के संक्रमण के कारण सरहुल पर्व नहीं मनाया जा रहा था। सरहुल में विधि विधान से पूजा की जा रही थी, लेकिन अब कोरोना का कहर काफी हद तक कम हो गया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सरहुल का जुलूस धूमधाम से निकलेगा और इसकी तैयारी के लिए प्रशासन रेस है। राजधानी रांची में पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के संक्रमण के बाद सरहुल पूजा सादगी से मनाई जा रही थी, लेकिन संक्रमण का दायरा कम होने के बाद इस बार धूमधाम से सरहुल जुलूस निकालने की तैयारियां चल रही है। सरना समितियों के द्वारा लगातार तैयारियां भी की जा रही है। इसी कड़ी में रांची के सीरम टोले स्थित सरना स्थल पर रांची के DC SSP SDM पहुंचे, जिसके बाद सरना समितियों के साथ बैठक कर सरहुल जुलूस निकालने की तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य सरकार से अनुमति मिलते ही सरहुल जुलूस धूमधाम से निकाला जाएगा। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो मदद हो सकता है, वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ तैयारी की जाएगी, वो सबको मुआयना करने के लिए आए थे और पेयजल और नगर निगम से भी कुछ कुछ सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता है, वो सब के लिए भी उनको बताया जाएगा। हाँ, जैसा बताया जा रहा है कि कुछ कुछ जगह पर सरहुल निकलता है, तो अभी तक तो आपदा प्रबंधन विभाग से जैसा डायरेक्शन आएगा उसके हिसाब से किया जाए, क्योंकि अभी तो जुलूस प्रतिबंधित है। इस बार जो कोरोना के चलते जो 2 साल हम लोग सरहुल जुलूस नहीं निकाल पाए, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के गाइडलाइन पर सिर्फ पूजा का ही करके हम लोग बिता दिए, लेकिन इस बार हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि इस बार सरहुल पूरे भव्य तरीके से जुलूस को निकलेगी और सरहुल का त्यौहार हम लोग पूरी तरीके से बहुत बढ़िया से ढंग से मनाएंगे, जो कि इसकी तैयारी जोरों तरह से चल रही है। रांची में इस बार सरहुल जुलूस की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों ने सरहुल को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक का और सुरक्षा व्यवस्था और रूट मैप को लेकर पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर सरना समितियों ने रांची पुलिस के SSP सुरेंद्र कुमार झा से आग्रह किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए सीरम टोले स्थित सरना स्थल पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि जुलूस में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों को किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो। आगे की व्यवस्थाएं क्या क्या की जा सकती है, क्राउड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की क्या व्यवस्थाएं हो, डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे हो, लाइटिंग व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ पे हो, और जो इस संदर्भ में जो है कि कैसे आम लोगों को सुविधा ख्याल रखते हुए जुलूस निकाला जा सके, इस संदर्भ में एक विस्तृत विवेचना और समीक्षा की गई है और हम लोगों ने उस पर ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है। 2 वर्षों के बाद इस बार झारखंड में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। कैमरामैन अभय के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।